हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक अनोखा तरीका दिखाऊंगी जिससे आपके अनवांटेड हेयर एकदम पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। इस टेक्निक से आप अपने अंडरआर्म्स के अनवांटेड हेयर के साथ ही साथ बॉडी के अदर पार्ट्स और प्यूबिक हेयर को भी परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस प्रोसेस को देख लेते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले एक बोल में 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों एकदम अलग है। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको बेकिंग सोडा ही लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। अब इसमें बॉईल किया हुआ 200 ml गरम पानी ऐड कीजिए और मिलाइए। ये स्टेप बहुत ही आसान है। बेकिंग सोडा में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये हेयर रिमूवल में बेस्ट होता है। मिलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब एक कॉटन बॉल लीजिए और अपने अंडर आर्म्स पर इस सॉल्यूशन को लेकर ऐसे अप्लाई कीजिए। इसे आपको रात को सोने से पहले अप्लाई करना है और सुबह धो लेना है। ऐसे करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सुबह उस जगह को धोने के बाद मॉइस्चराइज कर लीजिए। इस प्रोसेस को आपको एक महीने तक हफ्ते में दो बार रिपीट करना है। बस कुछ दिनों में ही आप नोटिस कर पाएंगे आपके अनवांटेड हेयर गायब हो रहा है। दूसरा जो स्टेप है उसके लिए हमें एक बोल में 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर लेना है। फिर हमें इसमें 1/2 टीस्पून वैसलीन लेना है। और फ्रेंड्स, हमें इसके बाद इसमें कच्चा दूध लेकर इन सारी चीजों को मिलाकर एक पेस्ट जैसा बनाना है। इसके लिए आप कस्तूरी टर्मरिक ही यूज कीजिए। अब इस पेस्ट को अपने अनचाहे बालों पर इस तरह से लगाइए। लगाने के बाद सूखने के लिए छोड़ दीजिए। ये स्टेप उपटन मेथड जैसा ही है। ये जब थोड़ा ड्राई हो जाए तब इसे इस तरह से मसाज कीजिए। ऐसे करने से अनचाहे बाल दूर हो जाएंगे। इस तरह रिमूव करने के बाद उस जगह को धोकर मॉइस्चराइज कर लीजिए। ये दोनों स्टेप फॉलो करने से आपके अनचाहे बालों की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोज को आप मिस ना कर सके। सो फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी एंड बाय।